नमस्कार, मैं दिव्या राधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। गर्भाशय कैंसर को लेकर हैरान करने वाली अध्ययन रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में गर्भाशय कैंसर से जूझ रहे 95% मरीज गरीब और ग्रामीण परिवेश से आते हैं। इस रिपोर्ट में दो अन्य अहम बातें भी पता चलती हैं। पहला ये कि अगर सही समय पर बच्चियों और महिलाओं को वैक्सीन लग जाए तो इस कैंसर को होने से रोका जा सकता है। वहीं दूसरा ये कि अगर समय रहते कैंसर होने का पता चल जाए तो भी मरीज की जान बचाई जा सकती है। 21 एशियाई देशों में हुए इस अध्ययन रिपोर्ट को हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय जर्नल द लैसेंट ने प्रकाशित किया है। फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने धमाल मचा दिया। विवादों से घिरी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। फिल्म में कश्मीरी पंडितों के दर्द को दिखाया गया है। अब विवेक अग्निहोत्री द कश्मीर फाइल्स से अनरिपोर्टेड बनाई है, जो 11 अगस्त को G5 पर रिलीज होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दुष्कर्म जहां पीड़ित के लिए सबसे बड़ी परेशानी, भयावह और अपमान का कारण बनता है, वहीं इसका झूठा आरोप आरोपी के लिए भी उतना ही संकट, अपमान और क्षति का कारण बन सकता है। ऐसे में दुष्कर्म के आरोपी को भी इस तरह के प्रभाव से बचाया जाना चाहिए। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा है कि जब कोई आरोपी इस आधार पर FIR को रद्द करने के लिए अदालत का रुख करता है तो ऐसी कार्यवाही स्पष्ट रूप से तुच्छ या परेशान करने वाली है। तो ऐसी परिस्थितियों में अदालत का कर्तव्य है कि वह FIR को ध्यान से देखें। आरोपी को भी गलत फंसाने की आशंका से सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं वन जलवायु पर अस्थायी समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उनका कहना है कि सरकार की तरफ से कई महत्वपूर्ण विधेयकों को अस्थायी कमेटी के पास नहीं भेजा गया। जयराम रमेश ने कहा कि ऐसी स्थिति में उन्हें इस पद पर बने रहने में कोई महत्व नजर नहीं आता है। चीन और पाकिस्तान से युद्ध की स्थिति से निपटने के लिए भारतीय सेना अब आधुनिक क्रेन खरीदने जा रही है। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों और रेगिस्तान में भारी तोपों को ले जाने के लिए मटेरियल हैंडलिंग क्रेन के साथ 650 हैवी मोबिलिटी व्हीकल 6x6 खरीदने पर विचार किया जा रहा। इंडियन एक्सप्रेस अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इस संबंध में सेना ने बुधवार को आपूर्ति के लिए जानकारी इकट्ठा करने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। DOT यानी दूरसंचार विभाग ने 11.4 मिलियन से अधिक एक्टिव मोबाइल फोन कनेक्शनों की जांच की। इसमें से 60 लाख नंबर फर्जी पाए गए हैं, जिसमें से DOT ने 5 मिलियन पर एक्शन ले लिया है, जबकि अन्य पर काम जारी है। इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार साइबर क्राइम को जड़ से खत्म करने और इसके जाल को कम करने के लिए क्रिमिनल्स के सोर्स को ही खत्म करना चाहती है, और इसके लिए DOT, बैंक्स, होम मिनिस्ट्री और RBI मिलकर एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। नेपाल पुलिस ने फर्जी दस्तावेज रखने और खुद को प्राकृतिक आपदा का शिकार बताने वाले 12 नाबालिगों सहित भारत के 24 भिखारियों को हिरासत में लिया और बाद में उन्हें भारत वापस भेज दिया। पुलिस के मुताबिक राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले सभी 24 लोगों को भारत नेपाल सीमा क्षेत्र के नेपाल की तरफ वाले इलाके बिरता मोड़ की सड़कों पर भीख मांगते हुए हिरासत में लिया गया था। कोरोना वायरस का खतरा भी टला नहीं है। एक और नए वेरिएंट को लेकर चर्चा जोरों पर है। ब्रिटेन में COVID-19 वायरस का एक नया वेरिएंट सामने आया है। इस नए वेरिएंट का नाम EG.5.1 को एरिस नाम दिया गया है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडनोम घेबियस ने चिंता जताते हुए कहा है कि WHO वर्तमान में कई कोरोना वायरस वेरिएंट पर नजर रख रहा। इसमें EG.5.1 वेरिएंट भी शामिल है, जो अमेरिका और UK में तेजी से फैल रहा है। दवा मूल्य नियामक राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने अपनी 115वीं बैठक में 44 नई दवा फॉर्मुलेशन की खुदरा कीमतें तय की हैं। जी बिजनेस में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक नियामक ने थोक दवाओं और फॉर्मुलेशन में बदलावों को भी अधिसूचित किया, नॉन शेड्यूल दवाओं और फॉर्मुलेशन की कीमतों की निगरानी की और ड्रग्स मूल्य नियंत्रण आदेश के प्रावधानों के कार्यान्वयन की निगरानी की। बैठक में मल्टी विटामिन और D3 समेत सुगर, दर्द, बुखार, संक्रमण और हृदय रोग संबंधी दवाओं की अधिकतम कीमतें तय कर दी गई हैं। जर्मनी की यात्रा के लिए सेंगेन वीजा प्रोसेसिंग का समय घटाकर 8 सप्ताह कर दिया गया है। जर्मन दूतावास में मिशन के उप प्रमुख जॉर्ज एंजविलर ने बुधवार को बताया कि इसे अभी और कम करने के प्रयास जारी हैं। सोशल मीडिया पर संसद में भाषण देते हुए राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल है। इसमें राहुल कहते हुए दिख रहे हैं कि लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था। वीडियो शेयर कर राहुल पर तंज कसा जा रहा है। उन्हें रामायण के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं, इस बात की चर्चा चल रही है। खुद को BJP नेता बताने वाले जय भगवान गोयल नाम के ट्विटर हैंडल से ये वीडियो ट्वीट किया गया, पर सच ये है कि वायरल वीडियो अधूरा है। राहुल के वाक्य का अधूरा हिस्सा गलत दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। वाराणसी के बहुचर्चित ज्ञानवापी परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सर्वे के दौरान अब हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के लोग SASI की टीम से दूर रहेंगे। यह नई व्यवस्था आज से लागू हो जाएगी। देश में महंगाई से आम जनता त्रस्त हो चुकी है। चावल और दाल के बाद अब गेहूं भी महंगा हो गया है। इसका असर रिटेल मार्केट पर भी पड़ रहा है। गेहूं महंगा होने के चलते आटे की कीमतें भी बढ़ गई हैं।
लेकिन इस महंगाई से जल्दी आम लोगों को राहत मिल सकती है। जानकारी के मुताबिक गेहूं की कीमतों को कम करने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही इम्पोर्ट ड्यूटी को कम कर सकती है। इसको लेकर सरकार ने अपनी सहमति दे दी है। भारतीय रिजर्व बैंक अब UPI को लेकर नया सिस्टम डेवलप करने पर विचार कर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से UPI पर संवादात्मक भुगतान की सुविधा लाने के बारे में सोच रहा है। एडिस मच्छर के काटने से होने वाला डेंगू जानलेवा बनता जा रहा है। इसके केस तेजी से बढ़ रहे हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ये बीमारी हो रही है। डेंगू अधिकतर लोगों में खुद ही 3 से 4 दिनों में ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ मामलों में ये मौत का कारण भी बन सकता है। देश में हर साल डेंगू से मौतें होती भी हैं। डॉक्टरों का कहना है कि डेंगू माइल्ड और खतरनाक दोनों प्रकार का होता है। मच्छर के काटने के 3 से 4 दिन बाद इस बीमारी के लक्षण दिखने लगते हैं। इस वक्त हर कोई अपनी फिल्म को OTT पर दिखाना चाहता है, लेकिन ऐसे में कुछ लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं निर्माता विजय मूलचंदानी की, जिनके साथ दो लोगों ने OTT पर उनकी फिल्म रिलीज करवाने के नाम पर उनसे 23 लाख रुपए ऐंठ लिए हैं। निर्माता ने दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए विपक्ष पर पलटवार किया है। निर्मला सीतारमण ने दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता के साथ तमिलनाडु विधानसभा में हुई एक घटना का जिक्र कर तमिलनाडु के सत्ताधारी DMK पर भी निशाना साधा है। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि मैं ये मानती हूँ कि मणिपुर, दिल्ली, राजस्थान कहीं भी महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा को गंभीरता से लेना होगा, लेकिन मैं इस पूरे सदन को 25 मार्च 1989 को तमिलनाडु विधानसभा में हुई एक घटना की याद दिलाना चाहती हूँ, जहाँ विधानसभा में जयललिता की साड़ी खींच ली गई थी। PM मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान बीते दोनों जो बाइडेन प्रशासन ने भारत के साथ जेट इंजन तकनीक साझा करने का एक ऐतिहासिक सौदा किया था। इस कड़ी में गुरुवार को एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत को तकनीक साझा करने की जानकारी अमेरिकी संसद को दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संसद में दिए गए एक बयान के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस ने कहा है कि कलावती को लेकर अमित शाह ने संसद को गुमराह किया है, इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। दरअसल बुधवार को अमित शाह ने सदन में राहुल गांधी को घेरते हुए कहा था कि ये 2008 में महाराष्ट्र की जिस महिला से मिलकर आए थे उसकी मदद भी मोदी सरकार ने की है। शाह के इस दावे के बाद कलावती का बयान भी सामने आया और कांग्रेस ने कहा है कि उनकी मदद कांग्रेस ने ही की थी। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बहस की शुरुआत दुनिया की माली हालत से की। उन्होंने कहा है कि दुनिया में आर्थिक हालात काफ़ी ख़राब हैं। ग्लोबल अर्थव्यवस्था 2022 में करीब 3% तक बढ़ा है। BCCI की ओर से वनडे वर्ल्ड का आयोजन 5 अक्टूबर से 10 वेन्यू पर किया जाना है। इसमें कोलकाता का ईडन गार्डन भी शामिल है। अभी तक वहाँ ICC टूर्नामेंट के कारण रिनोवेशन का काम चल रहा है। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। बुधवार रात आग लगने के कारण काफ़ी नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड ने मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया है। आग लगने के कारण को लेकर जानकारी नहीं मिल सकी, लेकिन शॉर्ट सर्किट के कारण ऐसा होने की बात सामने आ रही है। कोलकाता में वर्ल्ड कप के कुल 5 मैच खेले जाने हैं, इसमें एक सेमीफाइनल भी शामिल है। लोकसभा में कांग्रेस के संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं। उनका भाषण सुनने के लिए PM मोदी भी लोकसभा में मौजूद हैं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि हम चाहते हैं कि मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर PM मोदी बोले। अधीर रंजन ने कहा है कि मणिपुर हिंसा पर PM मोदी की चुप्पी से निराशा हुई है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि जब राजा अंधा होता है तो दुर्दशा तय है, अंधा राजा होता है तो चीरहरण तय है। अधीर रंजन के बयान पर BJP सांसद विरोध करते हुए हंगामा कर रहे हैं। रिलीज से पहले अभिनेता अक्षय कुमार को फिल्म OMG 2 कॉन्ट्रोवर्सी में है। साधु संत लगातार इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। हरिद्वार के साधु संतों ने सेंसर बोर्ड और गृह मंत्रालय से OMG 2 फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ली गई फोटोज में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसमें सभी खगोलविदों को चौंका दिया है। इन फोटोज में अंतरिक्ष में एक क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है। यह क्वेश्चन मार्क हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के 2 सबसे ज्यादा प्रसिद्ध तारे हैं, जिन्हें हर्बिग हाड़ो 4647 नाम दिया गया। शोधकर्ताओं के अनुसार इन दोनों तारों के अध्ययन से सूर्य के जन्म के बारे में जानने में सुविधा मिलेगी। हर साल कुछ ना कुछ अलग तरह की राखियां देखने को मिलती हैं। इस बार भी कुछ अनोखी राखी देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में कुछ कारीगरों ने मिलकर गोबर की राखियां तैयार की हैं। यहां की महिलाएं गाय के गोबर का इस्तेमाल करके बेहतरीन राखियां बना रही हैं और अब इसकी काफ़ी डिमांड भी है। मणिपुर के इंडिजेंस ट्राइबल लीडर्स फोरम के एक प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जिन्होंने उसे जातीय हिंसा से प्रभावित राज्य में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती को मजबूत बनाने और संवेदनशील क्षेत्रों में किसी भी कमी को दूर करने के लिए कदम उठाने का आश्वासन दिया है। इंडिजेंस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने एक बयान में कहा है कि गृह मंत्री के अनुरोध के मद्देनजर समूह जातीय हिंसा के शिकार कुकी जो समुदाय से संबंधित लोगों के शवों को दफनाने के लिए लोगों से परामर्श करके एक वैकल्पिक स्थान तय करेगा।
भारत का तीसरा चंद्र मिशन चंद्रयान 3 तेजी से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। ऐसे बीच भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक बार फिर चंद्रयान 3 के कैमरे से ली गई चंद्रमा की तस्वीरें जारी की हैं। इसरो ने ट्विटर पर बताया है कि एक तस्वीर पृथ्वी की है जिसे लैंडर कैमरे ने लॉन्च के एक दिन के बाद लिया था। वहीं दूसरी तस्वीर चंद्रयान अंतरिक्ष यान के चांद की कक्षा में प्रवेश करने के एक दिन के बाद की है। यह तस्वीर 6 अगस्त को ली गई थी। बीजेपी एक ओर जहां राघव चड्ढा पर दिल्ली सेवा बिल के लिए प्रस्ताव में फर्जी साइन करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर आप पूरे मामले में बीजेपी पर झूठ फैलाने का आरोप लगा रही है। आम आदमी पार्टी की ओर से दावा किया गया है कि राघव चड्ढा को अभी तक विशेषाधिकार समिति से किसी भी तरह का कोई नोटिस नहीं मिला है। आप पार्टी का कहना है कि अगर उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा तो उसका प्रभावी जवाब दिया जाएगा। साइबर फ्रॉड ठगी के नए हथकंडे अपना रहे हैं। बिहार में भागलपुर से साइबर ठगी का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। 0 माइल थाना क्षेत्र के रहने वाले सेवानिवृत्त बैंक कर्मी जयदेव सिंह से साइबर ठगों ने फर्जी दिल्ली पुलिस बनकर उनके बैंक खातों से 10,10,616 रुपये उड़ा लिए। इसको लेकर उन्होंने साइबर थाने में केस दर्ज कराए हैं। देश में कीमतों में रिकॉर्ड उछाल के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा है कि भारत नेपाल से टमाटर का आयात करेगा। संसद में अपने भाषण के दौरान सीतारमण ने बताया कि आयात की पहली खेप शुक्रवार तक उत्तर भारत के वाराणसी, लखनऊ और कानपुर जैसे शहरों में पहुंचने की संभावना है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है एच के मल्होत्रा, नौशाद अंसारी, मोहम्मद साकिर हुसैन। बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बारिश के कारण डेंगू जैसे बीमारियों का खतरा बढ़ रहा, इससे बचाव के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।